लेकिन मैं थक जाती हूँ। लेकिन ये शॉप तो देखो, इतने अच्छे ड्रेसेस हैं, एक ड्रेस और ले लो फिर। चल प्लीज, देखें पहले हम आपके लिए शॉपिंग कर लेते हैं, उसके बाद ले लेंगे ना मेरे यहाँ से ड्रेसेस। मुझे कुछ नहीं लेना, मैंने बेबी के सामने वैसे ही कह दिया था। ऐसे कैसे नहीं लेना, मैंने आपके लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी है। इनफैक्ट आपके लिए बहुत सारे ब्राइट कलर्स लेने, चले आप मेरे साथ। बट कम ऑन, ये एटलीस्ट एक बार देख तो। हम आ रहे हैं वापस। बट दे आर रियली नाइस ड्रेसेस। नो प्लीज, ऑफिस बंक करके, फोन स्विच ऑफ करके यहाँ पे शॉपिंग हो रही है। What a surprise, तुम यहाँ पे हो? बस ऐसा समझ लो तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। कल रात पार्टी से क्या वापस ही नहीं है? यार मैं दोबारा से ज्वाइन करना चाहता था, बट आई एम रियली सॉरी कि तुमने पहली बार मुझे बुलाया और मैं वहाँ से ऐसे ही चला गया। इट्स ओके, हो जाता। शॉपिंग कंप्लीट हो गई तुम लोगों की? इनकी तो हो गई है, अब बेगम साहबा कह रही है कि मेरे लिए शॉपिंग करेंगे। तो कर लो, इतनी मोहब्बत से कहने वाले भी किस्मत वालों को मिलते हैं, हमारे नसीब में ये चीज़ें कहाँ हैं। तो शादी कर लो, शादी कर लोगे तो मोहब्बत से कहने वाले भी आ जाएंगे। कैसे कर लूँ शादी, कोई अच्छी लड़की नहीं मिलती। मूड है तो बताओ, देखते हैं। यहाँ पीछे एक कॉफ़ी शॉप बहुत अच्छी है, वहाँ बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, बातें करते हैं, अगर तुम लोगों के पास टाइम। टाइम तो है, चल कम, लेट्स गो। वैसे तुमने बहुत टीनेजर कर की अपना फोन बंद करके। करना पड़ा यार, एक्चुअली जब से शादी हुई है ना, मुझे और इन्हें साथ घूमने का मौका ही नहीं मिल रहा, इसलिए आज हमने डिसाइड किया फोन बंद करते हैं और सारा टाइम साथ गुजारेंगे। That's good, interesting. मैं रेस्टरूम से आ गई। Yeah, sure. वहाँ फोन क्यों कर रहे थे, कोई जरूरी बात है? मैं क्या बताऊँ, तुम्हारा फोन ही ऑफ था। मेरे घर का नंबर ले लो, जरूरत पड़ सकती है, यू शुड हैव इट। मैं तुम्हें भेज रहा हूँ नंबर, सेव इट। यार वैसे बहुत एंजॉय किया मैंने तुम लोगों की कंपनी में, अगर मुझे कबाब में हड्डी बनने का ख्याल ना आता तो मैं कभी ज्वाइन ना करता। नहीं यार, बाकी बहुत मजा है। आई विल सी यू इन द ऑफिस, आई विल जस्ट गो गेट द कार। मिलो मुझसे, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मगर मुझे तुमसे मिलना है। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगी।